हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंक एग्जाम्स टुडे। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन आई वुड लाइक टू शेयर एन इंफॉर्मेशन विद यू ऑल, और यू कैन से दिस इंफॉर्मेशन इज गुड न्यूज एज पर योर डिमांड्स। बैंक एग्जाम टुडे हैज़ लॉन्च्ड द बैचेस फॉर IBPS RRB स्केल 2 एंड स्केल 3, एंड दिस इज स्पेशली फॉर GBO, दैट इज जर्नल बैंकिंग ऑफिसर्स। इट इज अ कोर्स, इट इज अ फुल फ्लेज कोर्स। ओके, हुएवर इज प्रिपेयरिंग, एंड दिस कोर्स विल डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल। एज यू कैन सी, द कोर्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस फीचर्स विद द वीडियो क्लासेस फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ RRB स्केल 2 एंड स्केल 3, एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटीरियल इन PDF फॉर्मैट्स। ओके, एंड इन अ मीन वाइल, टू टेस्ट योर प्रिपरेशन लेवल, यू कैन गो थ्रू विद अ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑल इन दिस कोर्स। ओके, फॉर क्लासेज और फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द सिलेबस यू डोंट नीड टू टेक एनी प्रेशर। ओके, एज एवरीथिंग इज सिस्टमैटिकली प्लान इन दिस कोर्स, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द चैप्टर, देन यू कैन गो थ्रू ऑन आर चैप्टर टेस्ट सो दैट यू कैन मेक और इम्प्रूव योर चैप्टर्स एंड मेक इट एज योर स्ट्रेंथ्स रादर मेकिंग देम एज योर वीकनेसेस। ओके, आफ्टर दीज all preparation done by you, but also there is some fear in your hearts about the interview section, then you are on the right platform of a bank exam today, and this is also providing you the full guidance of interview. So what are you waiting for? Get our RRB scale 2 and scale 3 course now, and for special off And for special offer, use this coupon code and feel like special one while availing this code, okay? As every student is very special to us, and we want that every student should get selected and achieve their aims like our last year aspirants did. Today, the title of our session will be IBPS RRB Scale 2 Financial Awareness. Here in this session, we will be discussing about the questions regarding banking and financial awareness, and I am damn sure that you all will definitely like this session and will get to many things from this small session. The session will be fully based on MCQ type, and there will be total 10 questions. Yes, you heard it right. There will be only 10 questions, but उन 10 क्वेश्चंस में आई एम प्रिटी मच श्योर दैट यू विल लर्न 27 प्लस न्यूज़ेस ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस RRB स्केल 2। ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली सिडबी ट्रांस यूनियन सिबिल MSME पल्स रिपोर्ट एडिशन 12 वॉज रिलीज्ड एंड मेंशनड दैट इन फाइनेंशियल ईयर 21 लोन डिसबर्समेंट वॉज 40% हायर दैन इन फाइनेंशियल ईयर 20। नेम द ऑर्गेनाइजेशन बाई हुम द रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिडबी एंड केयर रेटिंग। So the report, which is organized by SIDBI and CARE Rating Agency, is named as SIDBI TransUnion CIBIL MSME Pulse Report with the addition of 12. It is addition 12. Okay. So in the report, MSME sector has disbursed the loan of rupees 6.8 lakh crore in financial year 20. That is last year. Last year, the loan disbursement was 6.8 lakh crores, and in financial year 21, rupees 9.5 lakh crore were disbursed, okay, which is about 40% higher than financial year 2020. Okay,
एंड दिस रिपोर्ट वॉज इनिशिएटेड अंडर आत्मनिर्भर भारत बाय एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. द रिपोर्ट वॉज इनिशिएटेड अंडर आत्मनिर्भर भारत एंड इनिशिएटेड बाय एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. ओके, नाउ लेट अस नो अबाउट ECLGS. ECLGS फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. ओके, इट वॉज लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन मई 2020. ईयर एंड द फुल फॉर्म ऑफ द स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट वॉज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट. ओके, अंडर द स्कीम इट इज टू बी प्रोवाइडेड ₹3 लाख करोड़ क्रेडिट अनसिक्योर्ड लोन्स टू MSME इन COVID-19. ओके, क्रेडिट अनसिक्योर्ड लोन्स वर प्रोवाइडेड टू MSME सेक्टर. ओके, अंडर दिस स्कीम 100% कवरेज गारंटी वॉज प्रोवाइडेड बाय NCGTC, दैट इज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी. अंडर दिस स्कीम 100% कवरेज गारंटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. बाय हुम इट इज प्रोवाइडेड? अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज प्रोवाइडेड बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी. ओके, सो इट इज प्रोवाइडेड टू पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड NBFCs ऑल्सो. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हुम दिस स्कीम इज प्रोवाइडेड, बाय हुम इट इज प्रोवाइडेड, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECLGS. ओके, वेन इट वॉज लॉन्च्ड, अंडर विच इनिशिएटिव इट वॉज लॉन्च्ड. ओके, सो इसके चार पार्ट्स रहे हैं. ECLGS 1 आया है, ECLGS 2, ECLGS 3.0 एंड ECLGS 4.0 विच इज करंटली इन प्रोसेस. ओके, हमें चारों ECLGS के बारे में जानेंगे. ECLGS 1 इज वेयर 10% एडिशनल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड थ्रू लोन्स. ओके, ओनली 10% असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड इन ECLGS 1.0. ओके, द टेन्योर ऑफ ECLGS 1.0 इज 4 to 5 years, एंड अंडर दिस 4 to 5 years, फर्स्ट 24 मंथ्स आर ओनली रीपेबल ऑफ इंटरेस्ट. नो प्रिंसिपल विल बी चार्ज्ड इन फर्स्ट 24 मंथ्स, एंड आफ्टर दैट बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड. ओके, इन ECLGS 2.0 द टेन्योर इज 5 years, वेयर 12 month विल बी मोरेटोरियम पीरियड एंड नेक्स्ट 5 years विल बी चार्ज्ड एज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ओके, सो इन ECLGS 3.0 मैक्सिमम लिमिट, द चेंजेस डन इज मैक्सिमम लिमिट 40%. ओके, अर्लियर इट वॉज 10%, देन इन 3.0 इट कम्स टू 40%. ओके, और द लोन विच कम्स अंडर ₹200 करोड़. ओके, द टेन्योर विल बी 6 years प्लस 2 year ऑफ मोरेटोरियम पीरियड. फर्स्ट 2 years विल बी ओनली रीपेबल ऑफ इंटरेस्ट, एंड द नेक्स्ट 6 years विल बी बोथ पेड एज प्रिंसिपल ऑल्सो एंड इंटरेस्ट ऑल्सो. ओके, देन द चेंजेस मेड इन ECLGS 4.0 इज 100% गारंटी कवर, एंड ऑल्सो इन दिस हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिक्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड. ओके, टू सेटअप ऑक्सीजन प्लांट्स फॉर लोन्स अप टू ₹2 करोड़ विद द इंटरेस्ट ऑफ 7.5. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑगस्ट 2021 विच बैंक हैज लॉन्च्ड सिम बिडिंग फीचर इन इट्स ऐप विद द एम टू रिस्ट्रिक्ट कस्टमर्स टू यूज वेरियस डिवाइसेस ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर? SBI बैंक, इंडस इंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, और नन ऑफ द अबव.
So our answer will be SBI Bank. So State Bank of India has launched SIM bidding feature in its application. Okay, in its YONO application. YONO and YONO Lite app are the digital banking platforms of SBI. The full form of YONO, which is very, very important as per the exam point of view, you only need one. Okay, this will allow only one user to log in with one device, only from a registered mobile number, only from RMN, which is registered mobile number. You can use only one device to log in your IDs. Okay, sometimes क्या होता था, दो दो लोग, तीन 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 फोन्स पर, तीन तीन डिवाइसेस पर हम अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी मंगा के एंड लॉग इन कर लिया करते थे, जहाँ से ट्रांसफर होते रहते थे पैसे, है ना। बट दिस विल एम टू प्रोटेक्ट डिजिटल फ्रॉड्स। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट करा गया है ताकि डिजिटल फ्रॉड्स को अवॉइड किया जा सके, उनसे बचा जा सके। ओके, सिम बिडिंग विल वर्क अंडर रूल वन डिवाइस वन यूजर वन RMN। ओके, सो लेट अस नो अबाउट यूनो। यूनो वॉज लॉन्च्ड इन 2017। यूनो इज एन इंटीग्रेटेड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म विद द पर्पस ऑफ यूजिंग वेरियस सर्विसेज लाइक बुकिंग योर फ्लाइट टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, बस टिकट्स, और ऑल्सो ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन यूनो ऐप। बट ओनली वन डिवाइस एंड वन यूजर विद वन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यू कैन यूज इट नाउ। ओके, अबाउट 3.8 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स आर देयर ऑन यूनो एप्लीकेशन नाउ। ओके, द करंट डेटा शोज दैट देयर आर 35.8 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर। ओके, नाउ विद दिस इंडियन बैंक हैज ऑल्सो साइंड एन एमओयू। ओके, इट हैज साइंड एन एमओयू विद सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, विच इज इन IIT बॉम्बे। ओके, द एमओयू वॉज साइंड टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी टू द स्टार्टअप्स एंड टू स्मॉल बिजनेसेस, एंड दिस फैसिलिटी वॉज लॉन्च्ड थ्रू IND स्प्रिंग बोर्ड। ओके, रिसेंटली इंडस इंड बैंक वॉज ऑल्सो इन न्यूज एज इट वॉज चूजन एज द एजेंसी बैंक बाय RBI टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेसेस। ओके, एंड दीज ट्रांजैक्शंस वॉज रिलेटेड टू रेवेन्यू रिसीप्ट अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, ऑल्सो अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम एंड गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स ऑल्सो। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, पेंशन पेमेंट्स कैन बी डन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, द एजेंसी बैंक इंडस इंड वॉज चूजन बाय RBI। ओके, नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों था हमारे न्यूज़ में? बैंक ऑफ बड़ौदा वॉज इन न्यूज़ बिकॉज इट हैज साइंड एन MOU, अगेन इट साइंड एन MOU विद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू हेल्प द नीडी वंस हु आर ट्राइंग टू सेट अप देयर एक्वा यूनिट्स अंडर द फिश आंध्रा स्कीम। ओके, फिश आंध्रा स्कीम के तहत वो लोग जो एक्वा यूनिट्स खोलना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पज बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड एन MOU विद आंध्र गवर्नमेंट। ओके, ये सब जितना ही मैंने आपको अभी बताया, ये सब मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इंडस बैंक के बारे में मैंने अभी बताया आपको, एजेंसी बैंक है, बनाया गया उसको बाय RBI टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेसेस। ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सो लेट्स
Come to Indus Bank. What are the statistics of Indus Bank? It was established in 1994 with its headquarters in Pune, Maharashtra, and the current CEO and MD of IndusInd Bank is Sumant Kathpalia. Okay. Bank of Baroda के बारे में अभी हमने देखा. It has signed an MOU with Andhra Pradesh government who are setting up their aqua units under the scheme फिश आंध्रा स्कीम. ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ स्टैटिक देख लेते हैं. इट वॉज फाउंड ऑन 20 जुलाई 1908. इट्स हेडक्वार्टर इज इन वडोदरा, गुजरात, एंड द टैग लाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक. ओके, द टैग लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बैंक्स, प्लीज रिमेंबर दैट. सीईओ एंड एमडी ऑफ बैंक इज संजीव चड्डा. ओके, the two banks which are merged with Bank of Baroda is Vijay Bank and Dena Bank. Okay, recently AutoPay UPI based function was launched for mutual fund systematic investment plans. It is the first investment platform to introduce it. Name the platform who introduced it. Money Control, Paytm, Google Pay, Phone Pay, or none of the above. So the answer of this question is Phone Pay. Okay. Recently, Phone Pay has launched UPI based auto pay function. It is basically for mutual fund systematic investment plans offerings. Okay. It will enable its customers to set up their MFSIPs in simple steps. Okay, so mutual fund systematic investment plans क्या है? Systematic investment plan is a plan which is offered by mutual funds. It is offered by mutual funds wherein one can invest a fixed amount of mutual fund scheme of their own choice at regular intervals. Okay, and also the customers can initiate its pause, start, or restart. Okay, which is systematic investment plans. Now let us know about PhonePe. It was established in 2015. In 2016, Flipkart acquires PhonePe, and the headquarter of PhonePe is in Mumbai, Maharashtra. The current CEO of PhonePe is Samir Nigam. Okay. Let's come to the next question. Dash collaborates with Manipal Business Solutions to provide digital and financial services in rural areas and also in semi-rural through promoting what? SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस ज्ञान ध्यान, भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस सही पे, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ज्ञान ध्यान, और नन ऑफ द अबव. So the answer of this question is SBI General Insurance has collaborated with Manipal Business Solution, which will provide the digital and financial services in rural areas also and in semi-rural areas also through Sahipal. Okay. It will also create awareness in population, which will benefit the insurance and technology products. Okay, and let us know about SBI General Insurance. Managing Director and Chief Executive Officer of SBI General Insurance is Prakash Chandra Kandpal. The headquarter of SBI General Insurance, it is not SBI only, it is SBI General Insurance. Okay, mind this thing. The headquarter of SBI General Insurance is in मुंबई, महाराष्ट्र, एंड द टैगलाइन ऑफ दिस इंश्योरेंस कंपनी इज सुरक्षा और भरोसा दोनों. द टैगलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑल्सो सेड इन प्रीवियस स्लाइड्स. ओके, विद दिस लेट अस कम टू ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस. गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ NPCI.
Just comment down fast and write the full form of NPCI. So the ICICI has partnered with NPCI now, and it will enable its customer to make instant automatic recurring premium payments of insurance policies. Okay. It is the first life insurance company which will be providing UPI auto pay facility. Okay. Now this UPI auto pay facility was launched by NPCI and it is launched in 2020. Can you please let me know why it was launched in 2020? Yes, because of COVID-19 की वजह से जो स्प्रेड था इट वॉज ऑल अराउंड दी वर्ल्ड. ओके एंड टू प्रिवेंट दैट स्प्रेड द ऑटो पे फैसिलिटी ऑफ यूपीआई वॉज लॉन्च्ड. नाउ लेट इज नो अबाउट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2001 एंड प्रमोटेड बाय आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एंड प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड. ओके इट वॉज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र एंड द करंट सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज एन एस कनन. ओके नाउ लेट इज नो अबाउट ज्ञान ध्यान. सॉरी फॉर दिस. ज्ञान ध्यान इज इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म. इट हैज रिसीव्ड एनबीएफसी लाइसेंस ऑल्सो फ्रॉम आरबीआई एंड इट हैज प्लान्ड टू डिसबर्स रुपीज 650 करोड़ बाय 2022. ओके इट विल ऑल्सो ऑफर द शॉर्ट टर्म कोर्सेज टू एड टीच प्लेयर्स एंड ऑल्सो टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली एंड सीईओ ऑफ ज्ञान ध्यान इज अंकित मेहरा. ओके नाउ लेट अस नो अबाउट एनबीएफसी. एनबीएफसी की जो फुल फॉर्म है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. द फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 विद इट्स मिनिमम नेटवर्थ ऑफ रुपीज 2 करोड़. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बैंक पार्टनर्ड विद नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पीपल हु बिलोंग्स टू फिशरीज सेक्टर. नंबर वन कर्नाटका बैंक, नंबर टू पंजाब नेशनल बैंक, नंबर थ्री आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पंजाब नेशनल बैंक. पंजाब नेशनल बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद एनएफडीबी व्हिच इज नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एंड इट इज टू एक्सटेंड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ फिशरीज सेक्टर. ओके अंडर दिस स्कीम द फिशरीज सेक्टर विल टाई अप विद इंडिविजुअल्स ऑल्सो विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विच इज अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ओके एफ आई डी एफ विच इज फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वॉज क्रिएटेड इन 2019 विद टोटल फंड एलोकेटेड इज रुपीज 7,522.48 करोड़. ओके एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम व्हिच इज लॉन्च्ड इन सितंबर 2020. ओके इट वाज लॉन्च फॉर द इंडियन फिशरी सेक्टर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 20,050 करोड़. ओके लेट्स कम टू द कर्नाटका बैंक. कर्नाटका बैंक हैज बीन चूजन एज एजेंसी बैंक बाय द आरबीआई टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शंस व्हिच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेसेस. ओके जैसा कि अभी हमने पढ़ा था जस्ट रेड अबाउट इंडसइंड बैंक. ओके द सेम इज लाइक कर्नाटका बैंक.
लेट अस डायरेक्टली कम टू कर्नाटका बैंक. द स्टैटिक ऑफ कर्नाटका बैंक, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1924. द हेडक्वार्टर इज इन मैंगलोर, कर्नाटका. द टैगलाइन ऑफ द बैंक इज योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया. ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट. एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक इज महाबलेश्वर एमएस. ओके, नेक्स्ट इज आर आईडीएफसी बैंक. आईडीएफसी बैंक ने एमओयू साइन किया है रिसेंटली विद इंडियन नेवी टू ऑफर द डिफेंस अकाउंट व्हिच इज नेम्ड एज ऑनर फर्स्ट. इट इज ऑफ इट्स फर्स्ट टाइप. ओके, दिस अकाउंट हैज इट्स जीरो बैलेंस. इट स्टार्ट विद जीरो बैलेंस एंड विल अर्न अप टू 5% इंटरेस्ट पर एनम विद नो मिनिमम बैलेंस. ओके, इट विल ऑल्सो कवर दी पर्सनल एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस ऑल्सो अप टू ₹46 लाख, बोथ फॉर ड्यूटी पर्सन ऑल्सो एंड फॉर ऑन ड्यूटी इंसिडेंट्स ऑल्सो. ओके, आईडीएफसी बैंक का हम कुछ स्टैटिक देख लेते हैं. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2018. हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, महाराष्ट्र. एंड सीईओ एंड एमडी ऑफ द बैंक इज वी वैद्यनाथन. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली इन ऑगस्ट 2021, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ US$112 million फॉर द वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स ऑफ अर्बन एरियाज इन झारखंड? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, ऑल ऑफ द अबव और नन? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज ADB. ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हैज सैंक्शन द लोन ऑफ US$112 million. ओके, विच इज 831 करोड़ इन इंडियन रुपीज. ओके, इट विल बी प्रोवाइडेड फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन द अर्बन एरियाज टू झारखंड. ओके, थ्रू दिस प्रोजेक्ट देयर विल बी फोर टाउन्स विच विल कवर. नंबर वन इज रांची, नंबर टू इज हुसैनाबाद, नंबर थ्री इज झुमरी तलैया एंड द नंबर फोर इज मेदिनीनगर. ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज US$160 million एंड इन दिस कॉस्ट 48 million विल बी फंडेड बाय झारखंड गवर्नमेंट. दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन 2028 एंड ADB हैज ऑल्सो अप्रूव द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹300 million फॉर महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. ओके, सो दो लोन सेक्शन सैंक्शन किए गए हैं ADB के द्वारा. नंबर वन इज US$112 million एंड द नंबर टू इज 300 फॉर महाराष्ट्र. नंबर वन इज फॉर झारखंड. प्लीज मेक श्योर दैट यू शुड रिमेंबर दिस 112 million फॉर झारखंड एंड 300 million फॉर महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के लिए किस लिए? फॉर रूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एंड द लेंथ ऑफ द रोड विल बी 2,900 किलोमीटर्स. इट विल बी इन 34 डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, सो लेट अस कम टू नो अबाउट समथिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB. इसको हम बोलते हैं ADB. प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ ADB. It was established in 1966 and the president of ADB is Masatsugu Asakawa. Okay, and the headquarter is in Manila, Philippines. ADB has 68 member countries. Okay, this is also very, very important for the exam point of view. Now, let us know that how IMF is recently in news. IMF has approved the largest allocation of 650 million allocation of 650 billion to boost up the global liquidity and to curb the impact of COVID-19. Okay, and this allocation is for special drawing rights. Let us know about IMF. IMF was established in 1944. Its managing director is Kristalina
जॉर्जीवा एंड इकोनॉमिक काउंसिल एंड रिसर्च डिपार्टमेंट डायरेक्टर इज गीता गोपीनाथ. ओके, द मेंबर कंट्रीज ऑफ IMF आर 190, विच ऑल्सो इंक्लूड्स इंडिया. ओके, द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज इन वॉशिंगटन DC US. नाउ, वर्ल्ड बैंक वॉज इन न्यूज रिसेंटली. इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द लोन एग्रीमेंट वॉज साइंड फॉर सेकेंड डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट विच इज ऑफ फेज टू. ओके, इट इज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट. द लोन वॉज प्रोवाइडेड फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑल्सो. ओके, द टोटल बजट आउटले ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 10,211 करोड़. इट्स मेच्योरिटी पीरियड इज 13 ईयर्स विथ 6 ईयर्स ऑफ ग्रेस पीरियड. ओके, प्लीज मार्क दिस पॉइंट, मार्क दिस फिगर्स इन योर ब्रेन. एंड द लोन इज प्रोवाइडेड बाय हुम, द एग्रीमेंट वॉज बिटवीन हुम एंड हुम. ओके, एंड इट वॉज साइंड फॉर वॉट. द स्टैटिक ऑफ वर्ल्ड बैंक इज प्रेजिडेंट इज डेविड आर मालपास. ही इज 13th प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन DC एंड द डायरेक्टर ऑफ इंडिया ऑफ वर्ल्ड बैंक इज जुनेद अहमद. द डायरेक्टर इन इंडिया, नॉट ऑफ वर्ल्ड बैंक, इन इंडिया एंड ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज लॉट ऑफ डिफरेंस. प्लीज माइंड दिस इन योर ब्रेन्स एंड लुक इन टू इट. डायरेक्टर इन इंडिया ऑफ वर्ल्ड बैंक इज जुनेद अहमद. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बैंक हैज सिलेक्टेड अमेज़ॉन वेब सर्विसेज एज इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग पार्टनर टू स्ट्रेंथन AI कैपेबिलिटीज? बैंक ऑफ बड़ौदा, पेटीएम पेमेंट बैंक, कर्नाटका बैंक, RBL बैंक और नन ऑफ द अबव. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज RBL बैंक. RBL बैंक वॉज फॉर्मली नोन एज रत्नागर बैंक लिमिटेड. ओके, इट हैज बीन सिलेक्टेड एज द कंप्यूटिंग आर्म्स, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म्स ऑफ अमेज़ॉन वेब सर्विसेज. ओके, इट विल इम्प्लीमेंट द डील, इट विल इम्प्लीमेंट टू डील विद द रिस्क, कस्टमर सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑल्सो. ओके, लेट्स कम टू द स्टैटिक पोर्शन ऑफ RBL बैंक. RBL बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन 1940. प्लीज मेक श्योर दैट यू विल रिमेंबर दीज फिगर्स ऑल्सो. वेन वॉज इट एस्टैब्लिश एंड द हेडक्वार्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इट इज मुंबई, महाराष्ट्र. ओके, MD एंड CEO इज विश्ववीर अहूजा एंड द टैगलाइन ऑफ RBL बैंक इज अपनों का बैंक. ओके, लेट्स कम टू द स्टैटिक पोर्शन ऑफ अमेज़ॉन वेब सर्विसेज. द CEO ऑफ अमेज़ॉन वेब सर्विस इज एडम सेल्सकाय एंड हेडक्वार्टर इज इन USA सैटल. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बैंक हैज लॉन्च्ड इक्विटेक प्रोग्राम फॉर द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, NBFCs और नन ऑफ द अबव. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक. एंड इट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इक्विटेक प्रोग्राम. ओके, दिस प्रोग्राम इज फिनटेक एक्सेलेटर प्रोग्राम. इट इज फॉर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरर्स एंड इट विल एम टू प्रोवाइड लीगल एंड रेगुलेटरी सपोर्ट टू द स्टार्टअप्स. ओके, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक इज इन चेन्नई, तमिलनाडु एंड द CEO इज वसुदेवन पथांगी सरसिम्हा. ओके, एंड द टैगलाइन ऑफ द बैंक इज इट्स फन बैंकिंग. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. इट हैज लॉन्च्ड अ सेविंग्स अकाउंट. It has launched a savings account and it is named as
health and wellness savings account. Okay, it has named as health and wellness savings account, which will support the people for emergency medical facilities. Okay, recently Securities and Exchange Board of India, that is SEBI. This is the full form of SEBI. Please note, it is the full form of SEBI, Securities and Exchange Board of India. It allows payment banks to create awareness between the people to participate in public and right issues by using different types of payment avenues. Okay, let's get to know something about SEBI. It was established in 1992, and the current chairman of SEBI is Ajay Tyagi. The headquarter of SEBI is in Mumbai, Maharashtra. Okay, so let's come to the next question, ninth question of today. With whom Foreign, Commonwealth and Development Office, United Kingdom has collaborated to launch the Entrepreneurship Promotion Scheme named as Swavlamban Challenge Fund? It's NABARD or National Stock Exchange or BSO or NBFC or SIDBI? The answer of this question is SIDBI. Okay, Small Industries Development Bank of India. The full form of SIDBI is Small Industries Development Bank of India, which has collaborated with Foreign, Commonwealth and Development Office, United Kingdom, and has launched Swavlamban Challenge Fund to promote entrepreneurship. Okay, it has been launched to promote entrepreneurship. Please remember the full form of SIDBI, Small Industries Development Bank of India. Okay, it is a financial institution of India which enlarged the sectors in promotion, financing and development, basically of MSME sector. Okay, the establishment of SIDBI is in 1990. The headquarter is in Uttar Pradesh, Lucknow, and the current chairman and MD is Shiva Subramaniam Raman. Okay, National Stock Exchange was in news recently because it has appointed BSO as its first official international network carrier, okay, which will aim to meet the market demand and also support the trading firms. It will also support the trading firms. Okay, National Stock Exchange, International Exchange, it is a wholly owned subsidiary of National Stock Exchange of India, NSE. Okay, let's come to know about NSE International Exchange Limited. It is situated in Gift City, which is in Gujarat. Okay, it was launched as a global trading platform and was launched to aim to offer easy access for foreign investors so that they can make the transactions in US dollar. Okay, it was established in 2016 and situated in Gandhinagar, Gujarat. Okay, Gift City is important. Its figure when it was established and it is situated in Gujarat. Okay, it is important. Let's come to BSO. It was established in 2004 and the current CEO and the co-founder of BSO is Michael Aurob. Okay, and the headquarter of BSO is in Ireland. Okay, let's come to the last question of today, 10th question. Which financial institution has launched Digital Prayas to provide loans to local income group entrepreneurs? NABARD, State Bank of India, Paytm Payment Bank, SIDBI, or none of the above? So the answer of this question is again SIDBI. Okay, recently SIDBI has launched this program that is Digital Prayas. Okay, it is a digital application based platform. It will sanction the loans of entrepreneurs basically who have low incomes. Okay, it will sanction it in a day. And another news for SIDBI is it has also partnered with BigBasket, which will provide the loans on affordable interests. Okay,
Here, the loans will be provided to youth of the urban areas to purchase e-vehicles. Okay. So, SIDBI के बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना. We learned a lot of about SIDBI, है ना? Its MD, CEO, its headquarter. Let's come to NABARD. NABARD was in news recently and it has signed an MOU with the State Bank of India. It has signed MOU with State Bank of India and Jammu and Kashmir Grameen Bank to finance 1,000. To finance how much? 1,000 joint liability groups, which will enhance the flow of credit to farmers, small marginal farmers also. To farmers and small marginal farmers also. Okay, let's come to the static portion of NABARD. NABARD was established in 1984 and headquartered in Mumbai, Maharashtra. Okay, the chairman of NABARD is G.R. Chintala. Okay, Paytm Payments Bank was in news recently. It has become India's first bank to achieve milestone of issuing 1 crore fast track. Okay, it has become India's first bank to achieve milestone of 1 crore. Okay, so this was the last question. We have learned a lot from this, as we have learned about NABARD. In this, NABARD has signed an MOU with State Bank of India and Jammu and Kashmir. Okay, Paytm Payments Bank became the India's first bank to achieve milestone of 1 crore. Okay, we have learned about SIDBI. SIDBI has launched Digital Prayas, which is a digital application based platform. Okay, and it will sanction loan of the low income groups people. Okay, SIDBI has also collaborated with Foreign Commonwealth and Development Office, United Kingdom, and has also launched Swavlamban Challenge Fund. Okay, it has also launched Swavlamban Challenge Fund to promote entrepreneurship. Okay, here in ninth question, we came to know about NBFC again SIDBI. Okay, this we remembered abhi, theek hai? And in eighth question, we learned about the Equitas Small Finance Bank, Sarvoday Small Finance Bank, about NBFCs also. Okay, so overall, we learned a lot today. Not only one question, but around plus four newses with every question. Okay, let me give you a brief introduction about the success stories of bank exam today. And in 2019, one of our student, Tripti Arora, ranked first in IBPS RRB scale 2 and 3 2019 exam. Okay, and here are the achievers list who achieved their aim in a good manner, and from none other but bank exam today helped them. Okay, BOB Wealth Manager 2019, the candidates were selected NABARD grade A 2019 held, and the maximum number of students were selected from our batches. In 2019, Market Officers, PNB Wealth Management 2019, two students were selected from our batches. Vijay Bank 2019, RBI Grade B Officers are there from our batch 2019-20. In 2020, maximum students were there who achieved their aim and became the officers. Bank of India 2018 achievers, you can see the list of achievers is very large in number. So, as you can see here, not one or two, more than 5 students or more than 10 students is there on every slide of the success stories of bank exam today. Okay, so not only these students, but also you can give your best in the exams, and now it's your turn to shine like a star. Okay, so what are you waiting for? Go and get our new course and achieve your aim in the best way. Thank you so much for your patience and listening to me so attentively, students. I hope you had enjoyed the session. See you in the next class. Till then, stay healthy, stay safe. Bye-bye.